इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियोज़ पर एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं. इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर हमें बैलेंस शीट गिवन है ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की और डेट मेंशन है दिसंबर की 31 तारीख और 2018 को ये बैलेंस शीट बनाई गई है और रिक्वायर ये किया जा रहा है कैलकुलेट करंट क्विक एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियोज़. इनके फार्मूलाज क्या होते हैं ये इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, ये हम अभी दोबारा देखते हैं. यहाँ एसेट्स हमें गिवन हैं और हमें ये मालूम नहीं है कौन से एसेट्स करंट हैं और कौन से एसेट फिक्स्ड हैं. इसी तरह लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी साइड पर करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और ओनर्स के जो फंड्स हैं वो मिलाकर गिवन हैं. तो हमने ये रेशियोज़ कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो हमने इनमें से पिक करनी है और इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करना है. तो पहले हम आते हैं करंट रेशो पर. करंट रेशो का फार्मूला देखते हैं हम. यहाँ पर करंट रेशो हम कहते हैं करंट एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है करंट लाइबिलिटीज़ से, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स कितने हैं. अगर हम लोग करंट एसेट्स को कंपेयर करें करंट लाइबिलिटीज़ से तो इस तरह से जो रेशो आएगी वो हमारी करंट रेशो कहलाएगी. इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, करंट एसेट्स देखने हैं हमें. करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, फिर हमने देखना है करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं. यहाँ पर एसेट्स में हम देखते हैं कैश एंड बैंक हमारा करंट एसेट है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है अमाउंट और जब भी हम चाहें हम वो अमाउंट निकलवा सकते हैं, तो ये भी हमारा करंट एसेट है. स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है. डेटर्स करंट एसेट हैं. बिल्स रिसीवेबल जो हमने अमाउंट दूसरों से कलेक्ट करनी है, ये भी हमारे करंट एसेट हैं. एडवांस टैक्स यहाँ पर जो मेंशन है वो एडवांस टैक्स है जो एक साल के अंदर अंदर जो पे करना है वो हमने फ्यूचर में एक साल के एंड पर पे करना है, वो हमने पे कर दिया है, तो ये भी हमारा करंट एसेट में आता है. अगर ये वो टैक्स होता जो कि 5 साल बाद फ्यूचर में हमें टैक्स पे करना है, हम आज पे कर रहे हैं, तो वो नॉन करंट एसेट में आता, लेकिन ऐसे होता नहीं है. टैक्स हम एडवांस पे करते भी हैं तो वो बहुत कम टाइम के लिए एडवांस होता है, इसलिए ये भी करंट एसेट में आता है. तो बाकी जो रह गया यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों फिक्स्ड एसेट हैं. तो हमें करंट एसेट्स चाहिए. ये तमाम करंट एसेट्स की अमाउंट को हम लोग लिख लेते हैं और टोटल देख लेते हैं कि कितने करंट एसेट्स की अमाउंट आती है. तो इन अमाउंट्स का अगर हम लोग टोटल करें तो ये आता है 1,49,000. तो ये हमारे टोटल करंट एसेट्स की अमाउंट हमारे पास आई है. इस करंट एसेट की अमाउंट को हम लोग यहाँ पर करंट रेशो में लिख लेंगे जो कि है 1,49,000 और इसके बाद ये रुपीज़ में है तो यहाँ हम रुपीज़ लिख लेते हैं. डिवाइड करेंगे इससे हम करंट लाइबिलिटीज़ से. तो अब हम करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं. करंट लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में कौन कौन सी हैं. करंट लाइबिलिटीज़ को हम लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी में देखेंगे. पहले हमारे पास ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है, फिर रिजर्व्स गिवन है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है वो अमाउंट गिवन है. सिक्योर डिबेंचर्स, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है. इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी हमने कुछ चीज़ें परचेजेस की और हमने अभी अमाउंट पे नहीं की, उसे हम अपने ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं. ये हमने अभी पे करनी है और ये हमारी करंट लाइबिलिटी है. इसी तरह हमने कुछ बिल्स रिसीव किए, परचेजेस हमने की और हम लोगों ने सिग्नेचर कर लिए कुछ बिल्स पर के इनके अगेंस्ट हम अमाउंट पे कर देंगे. तो बिल्स पेबल भी हमारी करंट लाइबिलिटी है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी टैक्सेशन के लिए हमने कुछ अमाउंट साइड पर रखी है कि टैक्सेशन की लाइबिलिटी हमें पे करनी होगी, तो ये भी करंट लाइबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कुछ अमाउंट उधार ली हुई है जिसे एक साल के अंदर अंदर पे करना है. या समटाइम्स ऐसे होता है जैसे अगर बैंक में हमारा अकाउंट है और हम बैंक से जो अमाउंट निकलवा लेते हैं वो क्रेडिट लिमिट जो हमारी होती है उसे ज़्यादा निकाल लेते हैं, बैंक हमें उस वक्त तो वो अमाउंट निकालने की इजाज़त दे देता है लेकिन वो अमाउंट हमने बैंक को पे करनी होती है, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो ये भी लायबिलिटी है. प्रपोज डिविडेंड, हमने ये प्रपोज किया है कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग डिविडेंड देंगे कंपनी के ओनर्स को जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ये भी लायबिलिटी है. तो इन तमाम करंट लायबिलिटीज़ को अगर हम लोग जमा करें तो ये तमाम अमाउंट जमा करके बनती हैं 8,26,000. तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और लिखते हैं करंट लायबिलिटीज़ को जो कि हैं 8,26,000. करंट एसेट्स को अब हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़ से तो यहाँ पर हमारे पास करंट रेशो आ जाएगी और ये डिवाइड करने के बाद आता है 1.27:1.
इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक लायबिलिटी हो तो एक लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास 1.27 के करंट एसेट्स मौजूद हैं, और करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और ये इसका मतलब है करंट रेशो शो कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो साल के अंदर अंदर कैश का मौजूद होना है उसे लिक्विडिटी कहते हैं, तो जो करंट लिक्विडिटी पोजीशन है वो ठीक है। करंट रेशो के बाद यहाँ पर हमसे रिक्वायरमेंट है कि क्विक रेशो कैलकुलेट करें। क्विक रेशो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें हम लोग वो वाले करंट एसेट लेते हैं जिनको क्विकली हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। जैसे स्टॉक तो जब सेल होगा उसी वक्त हम लोग उनके पास कैश आएगा, इसलिए इसमें हम स्टॉक को नहीं लेते। और दूसरी चीज़ ये कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो टाइम से पहले हम अमाउंट पे कर देते हैं और वो हमारे एसेट इसलिए कहलाती हैं, उन अमाउंट्स को भी हम लोग क्विक एसेट में नहीं लेते, क्योंकि क्विक एसेट में हमने देखना होता है कि वो लिक्विडिटी हमें नज़र आए, वो कैश नज़र आए जो फ़ौरन से अगर हम लोग चाहें तो उसे हम लोग अमाउंट वो हमारे पास आ सके। जैसे हम डेटर से कहेंगे अमाउंट हमें अर्जेंटली रिक्वायर है, हमारे अमाउंट जो उन्होंने सेल जो सेल्स हमने की हैं उनके अगेंस्ट अमाउंट दे दें। इसी तरह सिक्योरिटीज़ जो हमने ली हुई हैं इन्वेस्टमेंट की हैं वो जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है जैसे प्राइस बॉन्ड हैं वो देंगे, अमाउंट ले सकते हैं, कैश भी हम लोग बैंक में है तो भी निकलवा सकते हैं। इसलिए क्विक रेशो में वो कैश या वो अमाउंट आएगी एसेट्स की जिसे क्विकली हम कन्वर्ट कर सकें, एडवांस टैक्स नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ इसमें स्टॉक नहीं आएगा, तो बाकी करंट लायबिलिटीज़ यही आएंगी जो कि हमने करंट रेशो में लिखी थी। तो अब हम क्विक रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले करंट एसेट्स सीखेंगे जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट देखे हैं, ये बने थे 1,49,000 यहाँ हम लिख देते हैं। हम अमाउंट शो करें या ना करें, हमने यहाँ ऊपर कर दी है एक दो दफ़ा, तो जो भी यहाँ अमाउंट यूज़ हो रही है उसके साथ करेंसी हम शो करें ना करें, जो अमाउंट शो हो रही है एक दफ़ा अगर करेंसी रुपीज़ शो करती है तो इन तमाम अमाउंट से करेंसी रुपीज़ है। इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक की अमाउंट, स्टॉक हम इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, तो स्टॉक की जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है वो है, हम देख लेते हैं यहाँ पर ये अमाउंट है 2,72,800, और इसी तरह एडवांस टैक्स है 1,00,000, तो ये हमारे पास आ जाता है 6,76,200। यहाँ पर हमने इसे लिख लिया, इससे डिवाइड करेंगे 8,26,000 को, तो हमारे पास जो ये रेशो आ रही है क्विक रेशो वो है 0.82:1, यानी ये रेशो हमें ये बता रही है अगर हमारे पास लायबिलिटी 1 रुपया है तो इसके मुकाबले में जो करंट एसेट्स हमारे पास करंट यानी क्विक एसेट ऐसे जो फौरी तौर पर अगर हम लोगों ने कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करने हो तो वो मौजूद हैं, वो 0.82 हैं, और अगर हमें फौरी तौर पर लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो हम इतनी ही लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। तो करंट रेशो तो हमें बता रही है कि सफिशियंट हमारे पास यानी मुनासिब हमारे पास कैश मौजूद है करंट लायबिलिटी के मुकाबले में। क्विक रेशो में ये बता रही है करंट एसेट्स तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन करंट एसेट्स के थ्रू जो कैश आ सकता है वो फौरी तौर पर तमाम कैश नहीं आ सकता और वो उन लायबिलिटीज से कम है उसका रेशो जितनी हम अमाउंट कैश की फौरी तौर पर पे कर सकते हैं। तो करंट रेशो और क्विक रेशो के बाद जो तीसरी लिक्विडिटी रेशो है जिसको हमने फाइंड करना है वो यहाँ गिवन है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। अब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो वो होती है जो जिसमें हम लोग डेटर्स को भी ना लिखें, जिसमें हम बिल्स रिसीवेबल को भी ना लिखें, जिसमें हम सिर्फ वो अमाउंट लिखें जो कैश की फॉर्म में हमारे पास है। तो कैश में अभी हमारे पास क्या है जिसके थ्रू हम अपनी लायबिलिटी पे कर सकें, इसमें हमने एसेट्स में वो अमाउंट लिखनी है। तो कैश में हम किस किस को लिख सकते हैं, हम कैश एंड बैंक, कैश जो हमारे हाथ में है जो बैंक में है वो कैश लिखेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिनको हम फौरी तौर पर अभी जाके अगर बैंक से लेना चाहें या जहाँ से भी सिक्योरिटीज़ हमने ली हैं वो सिक्योरिटीज़ हम उनकी वापस करके जैसे बॉन्ड्स वगैरह वापस करके फौरी तौर पर कैश ले सकें। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में हम ये दो चीज़ें लिखेंगे और इनको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से। तो एब्सोल्यूट रेशो पर आते हैं हम, इसमें कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमने लिखनी है, तो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश है हमारे पास 48,600 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के थ्रू जो अमाउंट आ सकती है वो है 82,000। तो इन दोनों को अगर हम लोग जमा करें
तो ये हमारे पास आता है 1,30,600। इसको हम डिवाइड कर देंगे 8,26,000, सेम अमाउंट जो कि लाइबिलिटी की है, तो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद आता है 0.16:1, जो कि लाइबिलिटी के मुकाबले में बहुत कम कैश हमारे पास रखा हुआ है। अगर हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़े एक की, तो हमारे पास सिर्फ 16 पैसा यानी 16 पैसे हमारे पास मौजूद हैं इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। और ये चीज़ें शो कर रही है कि फ़ौरी तौर पर हम अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए कैश की फॉर्म में हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रखने की ज़रूरत है अगर हमें लाइबिलिटीज़ को पे करना है, करंट लाइबिलिटीज़ को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया जा रहा था कि बैलेंस शीट गिवन थी, इसको देख के करंट, क्विक एंड एब्सोल्यूट रेशो को कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया करंट रेशो को, फिर क्विक रेशो को, और फिर एब्सोल्यूट रेशो को कैलकुलेट करना, और ये हमें क्या बताती है ये हमने सीखा।